बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल और गुड इवनिंग, और जहाँ जहाँ सुबह वहाँ सुबह बखैर। बिल्कुल हमारे और आपके मिलने का वक्त हो चुका है, और जहाँ हम हमेशा इसी दिन और इसी दिन की शाम मिलते हैं आपसे लाइव ऑन फेसबुक, बिल्कुल, और उसके बाद हम आपसे कनेक्टेड रहते हैं ऑन आवर यूट्यूब चैनल। तो हम इस वक्त शो टीम ऑफ टू टी टॉक में मिल रहे हैं, और हमेशा ही मिलते हैं, और आज भी ज़बरदस्त प्रोग्राम के साथ हाजिर हुए हैं हम यानी कि आपके दोस्त, आपके होस्ट, आपको चाहने वाले, और शो टीम ऑफ टू टी टॉक के प्रोड्यूसर्स शहला जाफरी और अहमद जाफरी। द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू आपकी खिदमत में हाजिर हो चुकी है। जी बिल्कुल, और बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम लेकर आए हैं, दिलचस्प, और कुछ खबरें देंगे आपको, कुछ अवेयरनेस देंगे आपको, देखें कि आज क्या क्या बातें होती हैं। बस आपने रहना है जुड़े हमारे साथ, और पल पल अच्छा गुजरेगा हमारा और आपका। तो जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि बातें तो बहुत सारी हैं, मगर देखते हैं कि हम क्या कुगर पे बात करेंगे। हम जी एनिमल कुगर पे बात करेंगे, और इसके अलावा जी बिल्कुल आपको सब कुछ पता है, हम क्या बताएं, लेकिन हम जिक्र ज़रूर करेंगे कि अकाउंट फ्रीज इस पर बात होगी, और मोर देन 2/3 पीपल जो हैं वो क्या क्या कहते हैं, क्या कह रहे हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। इसके अलावा कुछ ऐसी बातें हैं कि जो आपको सुन के हैरत होगी। अहमद, आपको भी सुन के हैरत होगी, क्योंकि मुझे तो बहुत हैरत हुई। तो जुड़े रहना है आपने हमारे साथ हमेशा की तरह से। अहमद इंशाल्लाह जाफरी द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू आपके साथ है, लेकिन अहमद का सामना कराना जरूरी है आपसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब, गुड इवनिंग, एंड ऑफ कोर्स गुड मॉर्निंग, वेयर एवर इट इज, and half the world is morning, half the world is evening. Well, that's what it is, and the world is connected to us through our studio. You're watching show team of two, tea talk. Janab, aaj inshallah usually jaisa hota hai dilchasp program hota hai aap logo ke ko bahut aapka khayal rakhte hue aur aapke respect rakhte hue program pesh karte hain hum log. Aap log family mein sab log ke sath baith ke इसको देख सकते हैं, देखते रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है. आप लोगों के मशवरे, टेक्स्ट मैसेजेस, ईमेल्स और फ़ोन कॉल्स होते हैं, रियली या दैट हेल्प्स अ लॉट टू अस, एंड वी आर डूइंग दिस, वी आर विद द मीडिया फॉर लॉन्ग लॉन्ग टाइम, और आप लोगों का जो है साथ है इसी तरह से, तो अल्हम्दुलिल्लाह वी बोथ आर वेरी सक्सेसफुल, यू एंड आई मीन और व्यूअर्स एंड अस, वी आर वेरी सक्सेसफुल. एंड यूजुअली जो हमारे प्रोग्राम होता है, बहुत सी चीज़ों पे बातें चीतें होती हैं, आपसे मुलाकात होती है इसी तरीके से, और रियल इस्टेट हाईलाइट्स को देखना मत भूलिएगा. हमारे साथ जुड़े रहिए, एक घंटे का हमारा साथ है आपका. तो रियल इस्टेट हाईलाइट्स में आज मैं आपको कुछ और अच्छी लिस्टिंग्स बताऊँगा. आज भी मुझे कुछ कॉल्स आई हैं, बड़ी हौसला अफजा हैं. कल भी मेरी एक ऑफर थी, मेरी एक जी डील जिसके ऊपर मैंने बात की थी उसके सिलसिले में, तो बहरहाल ये सिलसिला चलता रहेगा इसी तरह से, और आप और हम एक साथ 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 वी आर वॉचिंग, यू आर वॉचिंग शो टीम ऑफ टू टी टॉक. तो अपने दोस्तों को बताइए कि हमसे जुड़े रहें और हमारे शो को ज़रूर देखें, और इंशाल्लाह जो है आप लोगों को अच्छा लगेगा. आज देखते हैं कि शाला जी क्या कुछ लेकर के आई हैं, क्या बातें होती हैं आपसे, तो हमारे साथ रहेगा. जाने से पहले मैं आपको बताता चलूँ, अच्छा जी बातचीत तो रहेगी, लेकिन देखें शैला जी क्या आपसे बात करती हैं, बहुत जल्दी में आई. इतना मजा आता है मुझे जब ये कहते हैं ना, देखें शैला जी क्या बात करती हैं. तो अब कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मैं अहमद से कहूँ कि आप खुद ही क्यों ना गेस करें कि मैं आज क्या क्या बातें करने जा रही हूँ. अच्छा, ये तो बिल्कुल ऐसा है कि गेस करवाने से बेहतर है कि हम टाइम अपना वेस्ट ना करें और हम बातें करें. आज मैं आपको बताऊं कि मेरा दिल ये चाह रहा है कि पहले मैं लोकल बातें करूं कि जहां हम रहते हैं वहां क्या क्या हो रहा है, क्योंकि वो जानना भी ज़रूरी है, क्योंकि
कनाडा के लोग भी जुड़े हुए हैं हमसे, वर्ल्ड के लोग भी जुड़े हुए हैं। और कनाडा अब ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड में किसी कोने पर या कोई खामोश जगह है, एवरी वन नोज अबाउट, एंड हर एक का कोई ना कोई कनेक्शन है कनाडा से ना किसी तरह से, तो इसलिए। लेकिन सबसे पहले एक चाय का सिप लेना जरूरी है मेरे आपके साथ, और फिर ढेरों बातें खुद ब खुद ही दिमाग में आती रहेंगी, क्योंकि कहा यह जाता है कि आपने चाय का घूंट लिया और बातें याद आ गई, क्योंकि सुकून होता है और उस वक्त आप जो बातें करना चाहते हैं वो करते हैं। तो क्योंकि काम से फारिग होके चाय पी जाती है, लेकिन हम तो यहाँ देखे ना आपके साथ हैं, बातें भी कर रहे हैं और चाय भी पी रहे हैं। जी बिल्कुल। और जनाब आज पाकिस्तान से जरूर हमारे पास इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि कनेक्ट होंगी नीलोफर नसीम साहिबा, रिपोर्टर फॉर शो टीम ऑफ टू टी टॉक। देखते हैं आज वो क्या लेकर आई हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जनाब स्टूडियो के बाहर टेम्परेचर इस वक्त -2 डिग्री है और बहुत ही अजीबो गरीब सा मौसम हो रहा है, जिसमें कि रेन भी है, फ्रीजिंग रेन भी है और स्नो भी है। चले वो तो रहेगा मॉर्निंग। सिलसिला, हाँ लेकिन जी मैं आपको बताता चलूं कि आपको जरूर कट ऑफ करता हूँ, क्योंकि हमारे साथ बहुत से लोग आ चुके हैं जी माशाल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल और मैं बिल्कुल। जरूर बताऊंगा नीलोफर नसीम साहबा एज यूजुअल और शुएब उल्ला साहब, हाँ उसके साथ अतीक फारूकी साहब कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम एंड हाउ आर यू, वालेकुम वी बोथ आर अस्सलाम। फाइन हैंडी डैंडी का अलहमदुल्ला, आपने शाला को देखा, आई एम राइट हियर, वी आर ऑल फाइन, और उम्मीद है जी आप सब भी खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। और दूसरी चीज़ है कि नीलोफर नसीम साहब सलाम कह रही हैं, वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम। वरहमतुल्ला। जीती रहे हैं आप ओके बिल्कुल। शहजादी खान साहब आ चुकी हैं वेलकम शहजादी, और वेलकम। हमारे जो है कम्युनिटी के बहुत जाने माने पहचाने वीडियोग्राफर फोटोग्राफर बहुत ही टैलेंटेड नजमुल किरमानी साहब हमें देख रहे आहा हैं, सो नाइस सो वेलकम। नाइस। और कलू निसार साहब कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह बोथ लुकिंग गुड, थैंक यू कलू साहब, सो वालेकुम नाइस ऑफ अस्सलाम। यू आर द बेस्ट, आप सब लोग हमारे लिए बहुत बेस्ट हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। और हमें जनाब ज्वाइन के लिए दानियाला राय साहब ने वहाँ सुबह सुबह जी है और उन्होंने सुबह सुबह हमें ज्वाइन कर लिया है, और वर्ल्ड इज सलाम कनेक्टेड टू द यस स्टूडियो शो टीम ऑफ टू टी कह रहे हैं टॉक। सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, कैसे हैं आप, मेरा ख्याल जॉब की तरफ जा रहे होंगे इस वक्त अब हमें माशाल्लाह। स्केड्यूल भी पता चल रहा है सबका, है ना। साबिर राणा साहब भी आ चुके हैं, वेलकम बहुत बहुत साबिर शुक्रिया राणा साबिर, सो साहब। नाइस सो नाइस ऑफ यू। जी बिल्कुल, बड़ी बड़ी पार्टी है आज और हाँ लोग जुड़े चले जा रहे हैं हमारे माशाल्लाह साथ, माशाल्लाह, सो नाइस माशाल्लाह। सो नाइस, अहमद बहुत अच्छा किया आपने बताया कि कौन कौन से लोग शुरू से ही हमारे साथ सॉरी जुड़ टू कट यू चुके ऑफ हैं। बट यू नो व्हेन दीज गाइस अपीयर्स ऑन माय सेल्फ आई रियली गेट एक्साइटेड एंड आई वांट टू शेयर दिस विद एवरीवन, थैंक यू सो मच। यस मैं भी शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि मेरे स्क्रीन पे आप लोग नजर नहीं आते हैं। हाँ अच्छा, सिटी क्रूज आर करंटली मॉनिटरिंग पूरा पूरी तरह से वेदर को, और जो इवेंट होने जा रहा है या हो चुका है, शुरू हो चुका है, होने नहीं जा रहा, के विल ब्रिंग अ मिक्स ऑफ क्लाउड रेन, फ्रीजिंग रेन एंड स्नो। तो जनाब साल्ट ट्रक्स, स्नो प्लास, सारे एवरीथिंग, एवरी वन इज वर्किंग ऑन राइट देयर स्पॉट्स, और राइट। इंशाल्लाह ताला ये स्टॉर्म भी हम निकल जाएंगे इस स्टॉर्म और से। अतीक फारूक साहब कह रहे हैं कि और सी यू इन द रीमैक्स लॉक्स वेगस आर फॉर, या इसे यस बहुत अच्छा यस होता है वहां पर, तो इंशाल्लाह देखते। हाँ बिल्कुल। लेकिन कह रहे हैं कि ये जो फ्रीजिंग और ये जो स्नोई टेम्परेचर है वो 24 आवर्स तक रहेगा और हाँ इंशाल्लाह उसके बाद बेहतर होना शुरू हो जाएगा। लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि अप टू 20 to 25 सेंटीमीटर स्नो है, जिसमें फ्रीजिंग रेन है, जिसमें जम भी जाएगा, रेन भी जम जाएगी गिरते ही ग्राउंड के ऊपर, तो बहुत ख्याल रखेगा। और ये वार्निंग दी गई है वेदर, सिवियर वेदर की, ब्रैम्पटन, मिसिसागा, हाल्टन रीजन एंड सागा, जो है ये वार्निंग है। अच्छा ये तो चले एक बात हो गई। मैं यही सोच रही थी कि 2 दिन पहले इतना अच्छा वेदर था तो मैंने कहा नहीं, फरवरी के लास्ट वीकेंड तक हमें एक दो स्टॉर्म जरूर मिलेंगे, ऐसे तो आ ही गया है एक, मगर अपना ख्याल रखिएगा और बहुत सेफ्टी से हमें इस स्टॉर्म से गुजर जाना है। टीटीसी बस ड्राइवर, देखिए दूसरी चीज यहाँ में इस वक्त ऑन्टेरियो की जो एक बहुत अफसोसनाक खबर है, और वो ये है कि टीटीसी के जो बस ड्राइवर्स हैं उनको हर्ट किया जा रहा है, और लास्ट वीक भी ये इंसिडेंट हुआ था और अब फिर हुआ है, स्टैबिंग की गई है उनकी। और क्यों की गई है? ओवर द फेयर डिस्प्यूट। टू बैड एंड टू सैड टू सैड, टू बैड एंड टू रियली, सैड, अहमद बिल्कुल सही कह रहे हैं। और 14 ईयर्स ओल्ड चाइल्ड कहूंगी मैं, 14 ईयर्स ओल्ड चाइल्ड जो है ना उसको चार्ज किया गया है,
क्योंकि अंडर एज है तो ना नाम बताया गया ना कुछ के कहाँ से हैं क्या है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे, ये करेंगे कि मेरा ख्याल है कि एक रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए बस के ऊपर ड्राइवर के साथ, इट्स टफ, इट्स डिफिकल्ट, इट्स रियली टू डिफिकल्ट. कंट्रोल इट्स यू द नो नहीं, बल्कि इस तरह से होना चाहिए कि ड्राइवर तक ये ना पहुंच पाए. कोई ऐसा हाँ उसका केबिन होना केबिन चाहिए. बना देना हाँ चाहिए हाँ कि, और ये बड़ा इजी है, जी सब बिल्कुल. सिस्टम बाहर रखें, कॉइन हो नहीं कर सकते तो आप मतलब यू नो देयर हाँ हैज टू बी सम चेंजेस हाँ इन द बस इन द टू बस प्रोटेक्ट द बस ड्राइवर. बिल्कुल दैट्स व्हाट आई वुड बिल्कुल. सजेस्ट. केबिन की बात बहुत अच्छी की आपने, यस लाइक नेट हो जो देयर वायर आर नेट की लॉट्स ऑफ तरह थिंग्स से, ताकि वो लाइक इन देख भी इंग्लैंड में आप सके. देखें कि टैक्सी हाँ ड्राइवर्स दे आर प्रोटेक्टेड, वो अपना हाँ उसमें रहते हैं, ये हाँ इतना यू कैनॉट लेकिन देखें रीच. कितने कितने खौफजदा होंगे इस वक्त तमाम टीटीसी के ड्राइवर, ये लोकल यहाँ टोरंटो की बसेस हैं लोग जो समझ में लोग नहीं आती, टोरंटो ये में आपकी नहीं खिदमत है. के लिए बेचारे निकलते हाँ हैं, इतनी जी मेहनत करते हैं दिन और हाँ, रात, ये ड्राइव लेकिन यार करते हैं इट्स आप जस्ट अ लोगों को. चाइल्ड, कहाँ इधर से उनके पास इतने इतना गुस्सा है. ऐसे लोगों को कह देना कि सिर्फ जस्ट अ चाइल्ड, आई मीन यू नो कम ऑन, हाँ इनका रिहैब करें या कुछ करें. बहरहाल नो दैट्स इट्स सैड कि रियली चाइल्ड सैड है. एंड हाँ रियली बैड. एनी वेज चलें आगे चलते हैं, आगे अच्छा बताइए आगे आप. चलते हैं. अब हम एक और चीज करते हैं कि जनाब मोर देन 2/3 जो यहाँ पर रैली चल रही है, प्रोटेस्ट हो रहा है, हाँ फ्रीजिंग सॉरी मैंडेट के ये ऊपर फ्रीजिंग चल रेन रहा आपको जो है. है बाधा कर रही मोर है. देन 2/3 ऑफ नॉर्थ शोर रीडर्स अपोज द फ्रीडम कॉन्वॉय प्रोटेस्टर्स. तो मकसद ये है कि देखें जो लोग, इन्होंने कहा है नॉर्थ शोर ने कि जितने लोग हमारे हैं उनके 2/3 लोग जो हैं, उन्होंने पोल उनको पता चला है कि वो जो हैं इसके अगेंस्ट हैं, इन लोगों के जो लोग रैली कर रहे हैं, और अब काफी इमरजेंसी डिक्लेयर करके और काफी जो है उन लोगों के साथ उन लोगों को हटाया जा रहा है वहां से, उनके अकाउंट्स भी तमाम जहां से उनकी फंडिंग हो रही थी उनको भी फ्रीज आप कर ये दिया गया देखेंगे है, तमाम ऑटावा लिंक्स पुलिस को. चीफ ने भी ये जो है रिजाइन कर हाँ दिया है इसी उसके ऊपर और डिस्प्यूट पे, हाँ और इस उन्होंने कहा कि ही डिस्प्यूट डिड ऑल ही कुड, ही डिड द बेस्ट. एंड ये होता है देखिए कि उसने देखा कि वर्ल्ड इफ इज नॉट केपेबल ऑफ डूइंग इट फाइन नहीं ही रिजाइन, केपेबल नहीं. आज लेकिन मैं ही ही वाज वॉज डूइंग द डूइंग इज बेस्ट. बेस्ट, यस लेकिन उनकी भी एक थॉट थी एमएस. यस आज मुझे एग्जैक्टली ये पता चला एकदम हाँ प्रोग्राम से पहले मेरे पास ये खबर आई कि असल में उन्होंने इसलिए रिजाइन दिया कि ये कहा ही जा रहा था, पुलिस के ऑर्डर थे पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से इनके पास कम कि थी फोर्सेस, नहीं फोर्स भी कम थी. कि यस इसको हमने एग्रेसिवली इसको हमने खत्म करना है जल्द, क्योंकि लोग बहुत अफेक्टेड हो रहे थे वहां के लोग जो काम लोकल लोग जो थे. तो उन्होंने इस बात से एग्री नहीं किया, उन्होंने कहा कि बात बहुत बिगड़ जाएगी और ऐसी हो जाएगी जैसे कि अमेरिका में 6 जनवरी का जो हादसा हुआ था. हाँ अपनी क्या अपनी उनके स्ट्रेटजीज होती जी, हैं हर एक की. तो वो इससे एग्री नहीं कर रहे थे, वो कह रहे थे कि हालात बहुत खराब हो जाएंगे, ये उनके नजरिया था, लिहाजा फिर उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं कर सकता, मुझे डर है कि ऐसा हो जाएगा, तो उन्होंने रिजाइन दे दिया. अच्छा इंशाल्लाह ये सब बिल्कुल वो हो जाएगा. एक खबर मैं आपसे और शेयर करूंगी यहीं की लोकल, नहीं हम इसको बाद में शेयर करेंगे, पहले हम अपने ब्रेक पे जाएंगे अहमद, उसके बाद वापस आएंगे, बहुत ढेरों बातें हैं आपके साथ करने के लिए. We'll be right back. Buying a house or selling a house? The team of two just for you. That is none other than Ahmed and Shahla Jaffrey. Free market evaluation with no obligation for all your real estate needs. Real estate ki duniya mein ek aisa naam jo aapke ghar ke sapne ko haqeeqat mein badalne mein kadam kadam aapke saath. Call Ahmed and Shahla Jaffrey 416-704-0651. Buying a house. जी जना वेलकम टू शो टीम ऑफ टू, यू आर विद अस एंड वी आर इन आवर स्टूडियो एंड द वर्ल्ड इज कनेक्टेड टू आवर स्टूडियो. जनाब इनसे अभी भी आ चुकी हैं कुछ दिनों के बाद, माशाल्लाह वेलकम माशाल्लाह, इंसा होप बीबी. के इनकी सर्जरी भी हो चुकी हो, अल्लाह पाक इनको बिल्कुल सेहतमंद हो. और वैसे तो मैं इनको फेसबुक पे अगर अक्सर देखता रहता हूँ, माशाल्लाह वेरी नाइस. सलाम टीम ऑफ टू, ब्यूटिफुल पीपल लुकिंग गॉर्जियस एज ऑलवेज, होप यू बोथ डूइंग वेल. यस इंसा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डूइंग वेरी वेल. हाउ अबाउट यू?
We'd like to hear your voice as well. So you know the number, you know everything, and you know our events are right there at the corner, right? हमारे show team of two के हमारे जो events हैं अब आ चुके हैं. Designers and Bridal Expo बिल्कुल right at the corner, just few more days, 19th and 20th of March. और अल्लाह ने चाहा तो उस वक्त तक और भी बेहतर हालात होंगे जैसा कि कहा जा रहा है. तो जनाब ये है इंसा बीबी जी, शाला क्या कहेंगी जी. अहमद कहना तो बहुत कुछ जा रही थी लेकिन उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमारे कॉलर हैं हमारे साथ. हाँ. और चूंकि ये अक्सर हमें कॉल करती हैं, हमारा साथ देती हैं, रौनक लाती हैं, तो इनको मैंने सेव किया हुआ है अपने साथ. और ये हैं इंसा बीबी, प्यारी खूबसूरत और अच्छी अच्छी आवाज की मालिक जी. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू शो टीम ऑफ टू. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात. बड़ा प्यारा सलाम है, बड़ा प्यारा सलाम है. बहुत मजा आया आपकी आवाज सुनकर के इंसा. सो नाइस, सो लवली. इट वाज लवली टू हियर यू बोथ आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. आप कैसे हो? सब ठीक ठाक? सबसे पहले तो आप अपनी बताइए कि आपकी तबीयत से सब कुछ कैसा है? मेरी तबीयत वैसी की वैसी है जैसी पहले. ये पेंडेमिक में फंस गई है बेचारी क्योंकि वो सर्जरी तो डिले है ना, तो इंशाल्लाह वेरी सून. और आज क्या खास बात हुई बताइए मुझे. इंशाल्लाह बस आप ये करें कि शुक्राना के नफल पढ़ रही हूँ कि मेरी सर्जरी कंफर्म हुई है फाइनली दो बार कैंसिल होने के बाद. तो अभी मेरा थोड़ा जो टेंशन कम हुआ है, मैं आई वॉज डाइंग कि मेरी कंफर्म हो और जान छूटे और शुक्र है ये फाइनली होने वाली है. मैंने अभी भी हॉस्पिटल से पूछा, मैंने कहा अगर कैंसिल करनी है तो मेरे को अभी बता दो क्योंकि मेरे को ना मेरी उम्मीद पे पानी चल गया. अभी अभी बता दो, अभी अभी. नहीं 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 नहीं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह नहीं होगी, नहीं होगी. मैंने कहा दो बार मेरी उम्मीद पे आपने पानी फेर दिया, अब तो कहीं तो कहीं कर दो मेरी जान छोड़ो. कि देखिए हम क्यों इंसान से ये बातें करते हैं क्योंकि यहाँ के हालात और जिस तरह के है ना, बहुत सारे लोग जो है ना दे आर इन द सेम बोट. तो इसलिए धारस हो, आपको एक दूसरे से सहारा हो कि ये हो रहा है सबके साथ ऐसा हो रहा है. और आज आप बाहर निकली थी. मैं एक्चुअली आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, ये तो चलो साइड पे तो था ही था, लेकिन यस आई हैव बीन हैविंग रियली बैड न्यूज इन द फैमिलीज. लाइक देयर इज फोर डेथ इन माय फैमिली हैपेंड रिसेंटली. Went from my nani's death, my nani's sister actually, like wo bhi nani hi hai almost. So unki death hui janaze mein. So it was pretty, there was something going on. Ha, ye zindagi ke saath dekhe, ye sab zindagi ke saath jo hai na, ye ek laga hua hai, koi aa raha hai, koi ja raha hai. It's a sad news. मैं ये पूछ रही थी आपसे कि क्या आप आज बाहर निकली थी, आपने ड्राइव किया था इस फ्रीजिंग रेन में, स्नो में, रेन में? नहीं, ड्यू टू माई आईज आई कैन नॉट एबल टू गो आउट. मैं जितना जैसे जॉब से ऑफ होती हूँ, मैं जॉब से बस घर पे रहती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम. एंड अनलेस आई रियली हैव टू गो लाइक टू द लाइक कोई जरूरी काम है या कोई अपॉइंटमेंट है तो शायद निकलना पड़ता है मुझे, वरना मैं 95% घर पे निकली क्योंकि आई जस्ट वांट टू वेट एंड गो. मेरे लिए ट्रेवल इज वेरी हार्ड राइट नाउ कि मैं ट्रेवल नहीं कर सकी. आई एम नॉट इवन गोइंग टू पीपल्स होम राइट नाउ. मैं बहन के घर पे जाना इग्नोर करती हूँ. अच्छा. एक बार हो जाए फिर मेरा निकलना थोड़ा इंशाल्लाह इंशाल्लाह. इट्स नॉट फार अवे और इट्स कैजुअल हो गया. मुझे ऐसा लगता है इन सभी भी कि आप जिस तरह से बात करती है ना, आपकी आवाज गाना गाने में बहुत अच्छी होगी. मैं ना जॉब पे ना मैं बड़ा हल्ला गुल्ला करती रहती हूँ ना, मैं जॉब पे गा रही होती हूँ गाने आ रहे, पता नहीं मुझे वो होता है ना, आई थिंक इट वाज फॉर माय मॉम. मेरी मॉम जो थी ना वो घर में ना कभी आपको पता है जब औरतें घर थोड़ी होती है, घर के कामों में मशगूल होती है, मेरी मम्मा को ना गाने का शौक था. अच्छा. होती थी मेरी मम्मा आदत, तो मैं काम पे ऑर्डर ले रही हूँ, जैसे ऑर्डर खत्म हो जाता है गाना फिर ऑर्डर ले रही हूँ. अच्छा, तो गुनगुना दीजिए ना, कुछ शुगर ही गुनगुनाती होंगी क्योंकि जहाँ आप जॉब करती हैं उसके लिहाज से. इन सभी भी आपको नीलोफर नसीम कह रही है, हमारी जो रिपोर्टर हैं वो कह रही है कि बेस्ट विशेस फॉर इन सभी भी फॉर सक्सेसफुल सर्जरी एंड स्पीडी रिकवरी आफ्टरवर्ड्स. आमीन आमीन. आप लोगों का बहुत
शुक्रिया दुआएं देने का, बस ये है कि आप दुआ करो कि अगर नहीं मैं ईद हो रही है तो उसी टाइम मेरी सर्जरी दोबारा होगी और मैं बड़ी टेंशन में हूँ कि मैं क्या करूँगी अगर आप लोगों का इवेंट हुआ तो। कोई नहीं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह एवरीथिंग विल बी कंट्रोल एंड अंडर कंट्रोल। हमें सबसे ज्यादा आपकी सेहत चाहिए पहले। अच्छा चले गुनगुनाए तो क्या आप हर वक्त गाती रहती हैं? बताएं मुझे कि आप जॉब पर गुनगुनाती हैं क्या? आप क्यों भगाने पे लगे हुए लोग? कोई बात नहीं, भाग के इधर ही आएंगे। नेक्स्ट टाइम आप चाह रही हैं नेक्स्ट टाइम आप तैयारी करके आए, ठीक है? अच्छा एक अच्छा सा शेर सुना दें आप अपनी पसंद का। शेर सुनाने के लिए मजा आ गया जी। चलो ठीक है, एक सेकंड, मुझे अभी फिलहाल तो अरसा हो गया लेकिन ये कि लिखे पड़े हुए, बस एक सेकंड निकाल के आपको जल्दी से एक मुझे का सुनाती हूँ। हमें ऐसा लगता है, जाए जाए आप लेकर, हमें ऐसा लगता है कि ये हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, इस तरह से बातें करती हैं और मजा आता है हमें। और इंशाल्लाह ताला वेरी सून नीलोफर नसीम हमारे साथ होंगी, वो यकीनन इस इंतजार कर रही होंगी कि ये शेर सुनाए तो मैं आऊं। बिल्कुल मैं सुनाती हूँ और फिर उनको बुला लें आप, ठीक है? नो प्रॉब्लम जी। तो अर्ज करती हूँ, कल मैंने एक झलक जिंदगी को देखा, मेरी राह में खड़ी कुछ गुनगुना रहे थे, मैंने सबसे ढूंढा इधर उधर, आंख में चोली खेलती मुस्कुरा रही थी, हम दोनों क्यों थे एक दूसरे से खफा, वो मुझको बता रही थी मैं उसको बता रही थी, एक अरसे बाद आया था मेरे दिल को करार, थपकी दे के वो मुझको सुला रही थी, मैंने उससे पूछा तुमने मुझे दर्द क्यों दिया, उसने कहा मैं जिंदगी हूँ तुझे जीना सिखा रही थी। नहीं पता चल रहा है कि आप कि इस शायरी से पता चल रहा है कि बहुत सेंसिबल शायरी करती हैं आप और शेर पसंद करती हैं, अशार पसंद करती हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू मच, डिजाइनर्स एंड ब्राइड लक्स इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू शो टीम ऑफ टू टी टॉक। नीलोफर नसीम फ्रॉम कराची पाकिस्तान, रिपोर्टर फॉर शो टीम ऑफ टू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहे आप। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहिए। सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत सलाम भी है और सबके लिए बहुत सारी दुआएं भी हैं कि जो जो लोग बीमार हैं और खासतौर पे जो इन सभी भी हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत दे और सब लोगों को महफूज रखे। आमीन आमीन सुम आमीन। और मौसम के बारे में भी मालूम हुआ कि काफी टफ मौसम हो रहा है, इंशाल्लाह बहुत जल्द बेहतर हो जाएगा और अच्छा मौसम आ जाएगा जी। माशाल्लाह आयशा मलिक आ चुकी है हमारे साथ माशाल्लाह से जी। नीलोफर अच्छा। जी जी फरमाइए फरमाइए। तो आज के की खबरों के साथ मैं शुरू करना चाहती हूँ। तो पहली खबर जो है वो जरा मजेदार सी है। हमारे यहाँ जो निकाह का एक सिस्टम था पाकिस्तान में कि एक फॉर्म भरा जाता था और उसके बाद गवाहान आते थे और वकील थे, जो पाकिस्तान के फैमिली लॉज के मुताबिक था, उसमें थोड़ी सी चेंजेस की गई हैं, थोड़ी अच्छा। सी नहीं बल्कि अच्छी खासी चेंजेस की गई अच्छा। है और डिजिटल निकाह रजिस्ट्रेशन सिस्टम एक लाया जा रहा है टेक्नोलॉजी के लिए, जो ये बड़ा एक पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है, बल्कि शायद मेरे ख्याल है सारी दुनिया के में ऐसे ही होता है लेकिन यहाँ पर नहीं था। पहले मैन्युअली एक फॉर्म भरा जाता था और उसके अंदर नका होते थे और उसके साथ साथ जो गवाहान थे और वकील थे वो अपने अपने सिग्नेचर्स करते थे, फिर फॉर्म जाता था और बहुत एक लंबा प्रोसेस था जी, जी, जी। अब इसको कट डाउन करके इन जो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है वो है कि जो हमारे जो रजिस्टर्ड निकाह खान हैं उनको एक टैब दिया जाएगा जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड होगा नादरा के साथ। ओह गुड,
और इन हजरात को ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो डायरेक्टली कनेक्टेड हो जाएं नादरा के साथ, और उसके साथ साथ वहाँ उसकी वीडियो बनेगी। तमाम जितने गवाह हैं और वकील हैं, खुद निकाह खान हैं, ये अपने अपने CNIC नंबर्स वहां पर स्कैन किए जाएंगे, और उसके साथ साथ मालूम किया जाएगा कि इनकी कितने जेन्युइन हैं ये लोग, क्योंकि उससे उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड होगा या उनके जितने भी जो बायोडाटा है वो सारा उसमें आ जाएगा। ये एक्चुअली किया गया है कि जो फ्रॉड किया जाता है बहुत सारे लोगों के साथ उसको रोका जाए। इसके अलावा जितनी भी उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे मेहर कितना होगा, जो हमारे फैमिली लॉज में है, जो हमारे इस्लामिक सिस्टम में है, कि जी मेहर कितना होगा, क्या उसके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगी, अगर जो दूल्हा है उसने कोई गलत बयानी की है, उसने कितनी पहले शादियां की हुई हैं, वो सारी चीजें उसमें रजिस्टर हो जाएंगी। तो अब जो फ्रॉड्स हुआ करते थे या अंडर एज बच्चों की शादियां कर दी जाती थी, वो अब रुक जाएगा ये सिलसिला। बहुत जबरदस्त सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं। गुड 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 तो इसके साथ साथ जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि जो भी लोग यहाँ से पाकिस्तान में शादियां करते थे और उनको बाहर जाना होता है तो एक बहुत लंबा प्रोसेस, बड़ी मुश्किलात उसके अंदर होती थी, और बार बार उनको चक्कर लगाने पड़ते थे नादरा के और अपनी सर्टिफिकेट लेने के लिए। तो अब ये सर्टिफिकेट जो है खुद ब खुद जेनरेट हो जाएगा निकाह का सर्टिफिकेट, और उनको जब देने के लिए जब उनको अप्लाई करना होगा तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और वो बहुत ये आसान प्रोसेस हो जाएगा। बस वो निकाह से पहले के चक्कर जरूर लगेंगे, नहीं वो तो ऑटोमेटिक होगा नहीं ना ऑनलाइन। निकाह के लिए, निकाह के लिए जो चक्कर लगाए जाते चाय पिलाई जाती है, हैं जो लड़की चाय लेकर आती है। नहीं एक्चुअली देखें ये बहुत अच्छा जबरदस्त किया। सिस्टम बिल्ट अप करें, क्योंकि बहुत स्पेशली हमारी खवातीन, हमारी बच्चियां बहुत ज्यादा इस सिस्टम ना होने की वजह से सफर कर रही थी, और लोग धोखाबाजी बहुत कर रहे यानी थे। बहुत अच्छा किया है, वेरी नाइस। वो एक्चुअली सिलसिला ये है कि यहाँ पर खास तौर पर बहुत सारे जो वेल नोन लोग होते हैं वो दो दो तीन तीन शादियां करते हैं, और उनको पता ही नहीं होता कि छुप के शादियां कर लेते हैं और घर वालों को पता ही नहीं होता, तो अब ऐसा नहीं हो सकेगा। अच्छा नहीं तो आप तो कह रही तो वेल उससे वेल नोन लोग और ये हरकतें कर रहे नोन आप हैं खुद समझदार हैं, समझ गए होंगे कि कौन से वेल नोन लोग। अच्छा, ओके। इनसे हाँ बीबी क्योंकि कोई कह रही है, कानून अमीन, नहीं था थैंक यू। ना। हाँ हाँ कानून नहीं कोई था जी, कानून नहीं कोई था, कानून तो नहीं था ऐसे लोग जो वेल नोन लोग हैं ना वो तो कुछ भी कर हाँ जाते हैं। सही कह कुछ रही भी हैं। कर जाते हैं, और फिर सबसे ज्यादा जो बच्चे हैं वो सफर करते हैं इस चीज के लिए, हाँ और खवातीन को पता ही नहीं होता कि उनके हस्बैंड ने शादियां कर ली हैं मैं वैसे और ऐसे। बेटी हाँ बेटी। हाँ जी बोली, सॉरी सॉरी। तो ये सारी चीजों को रोकने के लिए और इस चीज को एक तरह से रेगुलराइज करने के लिए इस सिस्टम को इंक्रीज किया गया, और ऑन द स्पॉट उसकी वीडियो बनेगी जो कि नादरा में महफूज रहेगी, अगर गुड इन केस कभी जरूरत पड़े तो वो वीडियो प्रोड्यूस की जा सकती है। अगर इस तरह से कहीं ऐसी शादी हो गई कि जिसका कोई गवाह नहीं है या कोई उसका निकाह खान नहीं है या अनरजिस्टर्ड निकाह खान ने किया है, तो वो माना नहीं जाएगा, तब वो निकाह में शामिल नहीं होगा। गुड तो ये अच्छी एक चीज है आई थिंक कि हमारे लोगों की प्रोटेक्शन के लिए दोनों तरफ से, जी मतलब बिल्कुल ये बिल्कुल दूल्हा के लिए, दुल्हन के लिए और उनके घर वालों के लिए एक सेटिस्फेक्शन का बायस होगा, और इससे ये होगा कि बहुत सारी ऐसी चीजें रुक जाएंगी जो पहले जो इलीगल चीजें हैं वो रुक जाएंगी, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत बेहतरी गुड आएगी वाइज भविष्य स्टेप, में। यू नो गुड बहुत गुड। वाइज स्टेप है, और हाँ ऐसा स्टेप लिया है इन्होंने कि जिसका पहले किसी ने सोचा नहीं या किया नहीं, और जिसकी बहुत जरूरत थी पाकिस्तान में, जो इतना करप्ट सोसाइटी हो रही है उसकी वजह से। और मैं हैरान हूँ कि माशाल्लाह माशाल्लाह इस हुकूमत में ऐसी ऐसी तरफ देखा जा रहा है कि जहाँ आम तौर पे नहीं देखा ध्यान जाता नहीं दिया गया कभी। बिल्कुल आपने कोई भी बहुत अच्छी खबर शेयर की है हमारे साथ, और स्पेशली जो लोग यहाँ से जाते हैं और वहाँ अगर रिश्ते हो जाते हैं उनको तो कुछ पता नहीं होता।
हाँ, इसे और इसके साथ साथ देखिए शैला, ये भी है ना कि हम लोगों को भी इतना वेल अवेयर होना चाहिए कि हमारे राइट्स क्या हैं। क्या है। और बाज दफा ये होता है कि जो मेहर तय किया गया है और बाद में उसको डिनाई कर देते हैं कि जी हमने इतना नहीं किया, तो वो सब अब रजिस्टर होगा। सारा दूल्हा और दुल्हन, एडवोकेट और उसके साथ साथ गवाह, इन सब के सीएनआईसी नंबर जब स्कैन हो जाएंगे तो उनको पता है कि उन्होंने कहीं भी झूठ नहीं झूठ बोलना नहीं बोलना। और धोखा नहीं देना। और तो इस तरह से ये है कि बहुत हद तक लोग जो है वो सेफ हो जाएंगे। इंशाल्लाह, सर्टेनली बिल्कुल सर्टेनली, बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड। बहुत अच्छी आपने हमारे नहीं साथ न्यूज़ कहूँ मैं इसको या इम्प्रूवमेंट इन पाकिस्तान कहूँ मैं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात बताई है। दोनों ही बातें कह सकते देखिए, हैं। आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में तब्दीली तो आ रही है और कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जा रहे हैं जो पहले कभी सोचे भी नहीं नहीं गए है। थे। और इससे ये हो रहा है कि लोग अपने आप को महफूज तसव्वुर करने लगेंगे या उनको पता चल जाएगा कि उनकी राइट्स क्या हैं और कोई किसी के साथ फ्रॉड ना, एक्चुअली इन सब चीजों को, फ्रॉड को रोकने के लिए ये सारे वेरी काम किए जा रहे हैं। नाइस, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर मैं अच्छा। नीलोफर नसीम साहिबा से एक बात और शेयर करूंगी सारे लोगों से, आप ज्यादा जानती होंगे, हम लोग तो इतना नहीं जानते, लेकिन मैं ये पढ़ रही थी किसी साइट पे, आरिज और हिबा बुखारी ये पाकिस्तान की एक्टिंग इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं, इनकी शादी के हवाले से इन्होंने एक नया दिलचस्प, जिसको कहते हैं कि इंकशाफ किया एक शादी में। आज मैं इत्तेफाक से ये बना के लाई थी कि जरूर जरा सा चिट चैट हो जाएगी, चटपटी सी बात। उन्होंने ये कहा है, दुल्हन ने हिबा बुखारी, और उन्होंने ये कहा है कि आरिज जो उनके हस्बैंड है वो दूसरी शादी अब नहीं कर सकेंगे, उन्होंने अपने निकाह में ये शर्त लिखवाई है। और अभी बहुत सारे हिदायत, उन्होंने कहा कि मैंने अपने निकाह में, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना फिर। हाँ, हाँ अब इन्होंने अपने निकाह के उसमें ना बहुत सारी और भी चीजें लिखवाई हैं। और उस लेकिन फिर उनके पेरेंट्स परेशान हो गए कि कहीं ऐसा ना हो कि वो लोग शादी से इनकार कर दें उनकी बेटी से। देखिए ये डर भी है, ये सब हकीकत की बातें हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और बिल्कुल उन्होंने शादी उनकी हुई, तो उन्होंने अब ये बात किसी इंटरव्यू में या किसी जगह पर इवेंट में उन्होंने ये बात बताई कि मैंने ये लिखवाया है कि दूसरी शादी नहीं करेंगे। तो आज उसी के हवाले से हमारे पास इतना जबरदस्त प्रोजेक्ट आ गया पाकिस्तान का, पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से, तो जी, इंशाल्लाह ये प्रोजेक्ट जो है ना बहुत से लोगों को जो है परेशानियों से भी बचाएगा और बच्चों को जो है ना वो क्या कहना चाहिए कि सिंगल पेरेंट से भी बचाएगा कि हर काम जो है ना वो प्रॉपर तरीके से होगा। जी पाकिस्तान में देखिए फैमिली लॉस तो मौजूद हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस तरह से फॉलो नहीं, और जगह पर लॉस का इतना मजाक बनाया जा रहा है, इम्प्लीमेंटेशन, तो यस ये जो है ये उसको रोकने के लिए कदम है और आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह इम्प्रूवमेंट आएगी। और मुख्तलिफ हवालों से जितने भी लॉज हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए या उनको प्रॉपरली प्रैक्टिस करने के जी। लिए ये चीजें की जा रही हैं, और ताकि लोगों में अवेयरनेस आए। अवेयरनेस नहीं है एक्चुअली लोगों में, इस वजह से ये सब कुछ होता है कि उनको फैमिली लॉस के बारे में लोगों को पता ही जी नहीं है, आम लोगों को नहीं मालूम, तो हाँ उस चीज को रोकने के लिए। और देखिए जो मैं एक बात ये कहना चाहती हूँ कि ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको हमारी मीडिया को बगैर इसके कि हुकूमत की तारीफों के पुल बांध दिए जाए, इसकी अवेयरनेस मीडिया के जरिए, मीडिया को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि वो इस इन चीजों को हाईलाइट शेयर करें करें और इन चीजों को लोगों लोगों से। जी बिल्कुल। देखिए देखिए, मैंने ये लोगों को नोटिस बताए। नोट किया है कि हम तो ये हमारा एक आपसे मतलब माहदा समझ लीजिए इसको, कि अच्छी खबरें चाहिए हमें, और माशाल्लाह आप अच्छी खबरें देती हैं, पॉजिटिविटी की तरफ हम लोग चलते हैं। अहमद, ये लेकिन अच्छे मैं प्रोजेक्ट्स हैं बहुत देखें जो अच्छे, ये लेकिन ला मैं रही बताऊं है। कि पाकिस्तानी मीडिया की अगर बात की जाए या हाँ मैं और भी मीडियाज़ को देखता हूँ, मुख्तलिफ ममालिक के, तो जी ये यू नो वर्ल्ड इज गोइंग टूवर्ड्स नेगेटिविटी मोर रादर देन पॉजिटिविटी की तरफ देखें, अच्छी खबरों को शेयर करें या अच्छी बातें बताएं, यू नो अवेयरनेस मीडिया में सिर्फ दें। लेकिन पॉलिटिक्स आ रही लेकिन है जो वहां की अनबिलीवेबल तौर टिपिकल पे, पॉलिटिक्स है। अनबिलीवेबल तौर पे हाँ उन लोगों को मैं सहाफी तो नहीं कहूँगा, जर्नलिस्ट नहीं कहूँगा, जो बहुत ही गलत किस्म की बातें, बहुत बिल्कुल, ही देखिए गलत किस्म हाँ की चीज़ें जिससे कि पाकिस्तान को नुकसान पहुँचता है। यहाँ पर भी बहुत से लोग ऐसे अहमद, बात हमारी लंबी हो रही है लेकिन मैं ये कहती हूँ, इंस्टेड ऑफ देखें रोजाना मीडिया ही खबरें देता है, वहां मर्डर हो गया,
वहाँ ये हो गया, बीवी को जला दिया और ये इस तरह से जुल्म से उसकी जान ले ली। तो वहां उन लोगों को ये बातें शेयर करनी चाहिए कि अब ये सिस्टम आने वाला बहुत कम आप है अच्छी ना बातें सुनेंगे वहां की जी खबरों में। नहीं जी। बहुत आगे कम। बढ़ते हैं हम। ये तो ऐसा टॉपिक था कि हम अच्छा कभी रुक नहीं सकते इस पे। जी हाँ, दूसरी जो हमारे पास खबर है वो है पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम जो पाकिस्तान में हो रहा है, जो एहसास प्रोग्राम है। इसके अंदर जो हमारी सानिया निश्तर एक हमारी मिनिस्टर हैं, जी उन वो टॉप 3 रैंकिंग में आई हैं और उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये बताया है कि जिस तरह किफालत प्रोग्राम है, एहसास राशन रियायत प्रोग्राम है, अंडर स्कॉलरशिप के प्रोग्राम्स हैं, 30,000 पर मंथली जो लोगों को दिया जा रहा है, जो गरीब घराने उनको दिया जा रहा है, तो ये एक बहुत जबरदस्त एक प्रोग्राम है पॉवर्टी एलिवेशन के हवाले से, कि एक प्रोग्राम ऐसा शुरू किया गया है ताकि लोगों को सब्सिडी दी जाए जो खाने पीने की चीजें हैं उसके उसके ऊपर। तो उन्होंने बताया अपने इंटरव्यू में कि जो ऑयल है और जो आटा है और इसके अलावा दालें हैं, इसमें हुकूमत जो है वो 30% सब्सिडी दे रही है उन घरानों को जिनकी मंथली इनकम 50,000 रुपीज पर मंथ के बराबर है या उससे कम है। तो ये है कि जो लोग हैं इस तरह के वो अपने आप को रजिस्टर उसमें कराएंगे, फिर उसके बाद उनका सॉर्ट आउट किया जाएगा कि ऐसा तो नहीं है कि इसमें एक घराना जो है वो 4 लोग उसमें शामिल हो गए। जी तो ये बताया गया है कि तकरीबन जो जितने भी ऐसे घराने हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता रजिस्टर किया जा रहा है, और एक उन्होंने एक वेबसाइट दी है जिसमें जो SENIC नंबर रजिस्टर कराया जाएगा, ये 8171, 817 उसपे आप अपने आप को जी 8171 पे जाके अपने को रजिस्टर कराएं इसी एहसास प्रोग्राम के तहत। तो फिर वो अपना जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगी तो फिर ये देखा जाएगा कि आया एलिजिबल है या नहीं। तो वो जब जाएंगे जो एक खास ऐसे स्टोर्स हैं या ऐसी शॉप्स हैं जहां पर इसका लोगो मौजूद है एहसास रियायत प्रोग्राम का, वहां जाकर लोग उस पे आटे पर 20 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी पर केजी के हिसाब से, और दालों पर 55 रुपीज की, और घी और या ऑयल पर 150 रुपीज की सब्सिडी हासिल कर सकते हैं वो। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, और वेरी नाइस। ये होगा कि जब आप रजिस्टर हो जाएंगे तो और आप उस दुकान पे जाएंगे या कि उस स्टोर पे जाएंगे तो वहां पर अपना सिर्फ CNIC नंबर उसको बताएंगे तो आपकी सारी डिटेल्स जो है वहां पर आ जाएंगी उस कंप्यूटर पे, और आपको अगर आप एलिजिबल होंगे तो इन रेट्स पर आपको ये चीजें मिल जाएंगी। वेरी ठीक है, नाइस। हुकूमत के पास बहुत ज्यादा पैसा तो नहीं है, लेकिन जिस हद तक मुमकिन है हुकूमत जो है वो लोगों की हेल्प करना चाह रही है और देना चाह रही है कि वो किसी तरह से भी लोग इससे फायदा उठाएं। अभी तक 1/2 ट्रिलियन के करीब इतना पैसा जो है उसमें एग्जीक्यूट हो चुका है, अच्छा और 3.3 बिलियन के करीब मजीद इस ईयर में उसको एग्जीक्यूट होना है, और ग्रेट। इसके अंदर किसी किस्म की भी करप्शन की अभी तक जितने भी प्रोग्राम्स हैं इसमें बहुत कम कंप्लेंट्स आई हैं, और जो भी कंप्लेंट्स आई हैं उनको इमीडिएटली टैकल किया जा रहा है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और फिर यहाँ उन्होंने जो बात की, जैसे मैंने पहले कहा कि ये उनका कहना ये था कि मीडिया हमारी तारीफें ना करे बल्कि ग्रास रूट लेवल तक इसकी इंफॉर्मेशन जो है वो इंस्ट्रक्शनल कंटेंट जो है लोगों तक पहुँचाएं पहुंचाए। कि ये जरूरी, ये जो है हुकूमत एक आपके लिए फैसिलिटी दे रही है ताकि मैक्सिमम लोगों तक उसके बेनिफिट्स पहुंच पहुंच सके। सके। वेरी नाइस। बहुत 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 अच्छी अच्छी बात, बात है। बहुत अच्छी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह के बड़ी तेजी से और बड़ी मेहनत से काम हो रहा है हर चीज पे, और बिगड़ी हुई चीज़ों को सुधारा जा रहा है। अल्लाह ताला जो है हाँ कामयाबी दे, और इसी तरह बिल्कुल, से यू नो अफसोस की पाकिस्तान बात यह तरक्की है करे वैसे। और खुशहाल। आमीन सुम्मा आमीन। मैं तो हमेशा अपने पाकिस्तान और अपने कनाडा के लिए बेशुमार और बिल्कुल इन जनरल पूरी दुनिया के लिए पीस की दुआ हाँ करता हूँ बिल्कुल। मैं। लेकिन अहमद देखें, आप न्यूज़ सुनते हैं पाकिस्तान की, और उस मौके पर मैं थोड़े मेरे भी कान में आवाजें जाती हैं, इस किस्म की कोई बात सुनाई नहीं देती सिवाय आई नो, आई नो। कॉन्फ्लिक्ट एंड पॉलिटिक्स 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 के। ज्यादातर वही अच्छा रहा। अच्छा जी जी, फरमाइए आगे।
चलो, और मैं आपको ये बताऊं, देखिए ये कोई छोटा मोटा प्रोग्राम नहीं है, ये नहीं है, बहुत मैसिव प्रोग्राम है और इसके डेफिनेटली पीछे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, बेशक। तो अप्रिशिएट करना चाहिए उन सब लोगों की एफर्ट्स को कि जो ये प्रोग्राम ने, और ये बहुत जल्दी नहीं हुआ, इसके लिए तकरीबन हुकूमत को 3 साल लग गए हैं इसको बनाने के लिए या इसको एग्जीक्यूट करने के लिए, बहुत उनको टाइम लगा है, लेकिन ग्रेजुअली इस पर काम हो रहा है और उसके फवायद भी नजर आ रहे हैं। आमीन, वेरी वेरी हम नाइस। सबको चाहिए, पाकिस्तान के लोगों को, जहां जहां भी हम मौजूद हैं, हुकूमत को अप्रिशिएट ना करें लेकिन एटलीस्ट लोगों के कानों तक ये बात जरूर पहुंचाएं कि आपकी फायदे के लिए ये सारे काम हो रहे हैं, और आप कोशिश करें कि अगर आप जरूरतमंद हैं तो जरूर इससे फायदा उठाएं। श्योर। तो ये थी आज की खबरें, आज को आई होप के पसंद आई होंगी, जरूर लोगों को बहुत भी पसंद पसंद आई, आएंगी। बहुत 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 जबरदस्त, शुक्रिया अच्छी बहुत अच्छी पसंद खबरें आई लाने का, एकदम। और इसी तरह से अच्छी अच्छी खबरें, अच्छी अच्छी आपकी आवाज़, अच्छी अच्छी बातें आप हमसे करती रहें, और हमारा शो टीम ऑफ टू जो है टी टॉक चलता रहे इसी तरह से इंशाल्लाह, और हमारे सुनने वाले, हमारे देखने वाले, हमारे चाहने वाले जो एक बरसों से हम लोग मीडिया में हैं और हमारा भरपूर तरीके से साथ दे रहे हैं, ख्वाह वो हमारा रेडियो प्रोग्राम होता रहा और उसके अलावा फिर हमारे जनाब टीवी रेडियो के साथ मुंसलिक रहे हम लोग, अब सोशल मीडिया है तो वी हैव सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया की आवाज़ हर एक दुनिया फॉरन के कोने 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 तक सेलफोन पहुंचती सबके है। पास है, एंड इट्स द बेस्ट वे, और कोशिश हमें करनी चाहिए कि किसी का दिल ना टूटे, किसी को कोई दिल आजारी ना हो, अच्छी अच्छी बातें करें, छोटा सा अच्छा सा खूबसूरत सा प्रोग्राम जी करें, बिल्कुल, और दुआएं दुआओं के साथ अपनी पाकिस्तान के लिए, अपने कनाडा के लिए, पूरी दुनिया के लिए अच्छी ख्वाहिशात रखें, और इसी तरह से कारवां चलता रहे। बिल्कुल। और नीलोफर नसीम साहबा हमारे साथ इस सिलसिले में बराबर की शरीक हैं, क्योंकि बिल्कुल जो खबरें पाकिस्तान के बारे में जो प्रोजेक्ट्स लाती हैं, हम लोगों को बिल्कुल इत्तला नहीं होती उसके बारे में कि क्या हाँ हो रहा है, और बहुत खुशी होती है, बहुत तकवियत मिलती है हमें आप जो कुछ लेकर आती हैं शो टीम ऑफ टू हमारे मीडिया देखने और रिपोर्ट। सुनने वाले नीलोफर नसीम साहब आपके जो है इस प्रोग्राम आपको आपकी जो आप शामिल होती हैं ना बहुत पसंद करते हैं, और आपके जो इंफॉर्मेशन को दे रियली अप्रिशिएट एंड थैंक लाइक इट, यू, सो हाँ नाइस सो नाइस। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आप सबका, अल्लाह ताला आप सबको बहुत खुशियां दे, बल्कि आमीन सुम सारी आमीन दुनिया में अमन और खुशहाली आ जाए। आमीन आमीन। तो आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही, इंशाल्लाह अगले हफ्ते आप लोगों को ज्वाइन करती हूँ इंशाल्लाह, कुछ अच्छी अल्लाह खबरों के साथ। हाफिज, अल्लाह इंशाल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। अल्लाह इन द मीन टाइम हाफिज, में जनाब शहजाद खोकर साहब ने ज्वाइन कर लिया जी है, और PML इन कनाडा से आपका ताल्लुक है, बहुत बहुत अच्छा। शुक्रिया आपका ज्वाइन करने का सर, थैंक यू वेरी मच। हाँ शहलाब आप अहमद, क्या आप कहेंगी? रियल एस्टेट हाईलाइट के बारे में कुछ मैं कुछ बातचीत करना चाहते हैं हाँ तो डेफिनेटली, इससे कीजिए, पहले हम और एक छोटा सा उसके बाद हम जो प्रोमो है, लेते हैं एक छोटा सा, और हाँ, फिर हम आते हैं अपने वन जो ऑफ भी। माय डिजाइनर्स को केटर करती हैं, वो हमारे साथ आएंगे ऑनलाइन, हम ओके ट्राई करेंगे उनको कनेक्ट करने ग्रेट का, ग्रेट तो ओके स्टे ट्यून। या बिल्कुल, विल बी राइट बैक। Buying a house or selling a house, the team of two just for you. That is none other than Ahmed and Shahla Jaffrey. Free market evaluation with no obligation for all your real estate needs. Real estate ki duniya mein ek aisa naam jo aapke ghar ke sapne ko hakikat mein badalne mein kadam kadam aapke saath. Call Ahmed and Shahla Jaffrey 416-704-0651. Buying a house. जी शाला जी, वी आर बैक एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू, चंद एक लिस्टिंग्स हैं वो उससे शुरू करते हैं आज, ठीक है? वो लिस्टिंग्स क्या है जनाब? बड़ी अच्छी लिस्टिंग है, मेरे पास टाउन हाउस है विद अ वेरी लो मेंटेनेंस फीस, और ये 749,900 का टाउन हाउस है, और फिनिश बेसमेंट के साथ है, 3 बेडरूम्स एंड 2 वॉशरूम्स के साथ है। अगर आपको ये देखना, अच्छी लोकेशन पे ब्रैमली सिटी सेंटर जो ब्रैम्पटन है, शॉपिंग मॉल है बहुत बड़ा, उसके बिल्कुल नज़दीक वॉकिंग डिस्टेंस पे मॉल के नज़दीक है, लाइब्रेरी है, पार्क है, हॉस्पिटल है, यू नेम इट, ट्रांजिट है, गो 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 ट्रेन, गो बसेस,
उसके साथ साथ जूम, बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। तो इसको देखने के लिए आप कॉल कर सकते हैं 416-704-0651 पे कॉल कीजिएगा और मज़ीद मालूमात के लिए, और इसको देखने के लिए हम ज़रूर आपके खिदमत में हाजिर होंगे और दिखाएंगे इसको। अच्छा, अगर आप देखा जाए तो जना आशवा में एक और प्रॉपर्टी है, आशवा की ये प्रॉपर्टी जो इज़ अ काउंटर टाउन हाउस अगेन अगेन विद अ वेरी लो मेंटेनेंस फीस 799 आशवा में, ये जो है 799 का ये वेरी नाइस टाउन हाउस है। इसको अगर आप देखें तो इट्स अ 4 बेडरूम एंड 3 वॉशरूम्स के साथ है इन आशवा। यस, एंड इट्स अ रिलेटिवली न्यूअर प्रॉपर्टी, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, ज़रूर आइए जनाब। बेसमेंट इसका नहीं है, सिर्फ 3 स्टोरी टाइप ऑफ थिंग। तो इसको देखने के लिए रब्ता कर सकते हैं अहमद इंशाल्लाह जाफरी, द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू, 416-704-0651। और सलाह मशवरा लेना है तब भी आप नए इस कैनेडा में, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। ऑफिस हमारा जो है मिसेस आगा में स्क्वायर वन के नज़दीक, और हमारी बहुत अच्छी टीम है, अहमद इंशाल्लाह जाफरी के साथ एक लार्जर टीम है, हमारे साहबजादे अथर जाफरी और स्मार्ट रियल इस्टेट अथर डीकन जाफरी टीम। वी आर ऑल विद रीमैक्स रियल इस्टेट सेंटर, वेरी क्लोज टू मिसेस स्क्वायर, मिस आगा स्क्वायर वन के नज़दीक हैं। तो रीमैक्स रियल इस्टेट सेंटर में हम लोग सब के सब हैं, आपकी खिदमत करते चला रहे हैं। अहमद इंशाल्लाह जाफरी तो बहुत ज़माना हो गया, आप लोगों को नंबर याद ही है 416-704-0651, ऑफिस वही है। जैसे कि मैंने बताया था तो कॉल करें और हमें विज़िट भी कर सकते हैं, हमसे मिल भी सकते हैं, मुलाकात भी हो सकती है। आजकल किचनर बड़ा मशहूर हो रहा है और किचनर काफ़ी लोग मूव भी हुए हैं। किचनर वाटरलू में ये जो प्रॉपर्टी है देखिए 735,000 की ये प्रॉपर्टी, बड़ी ज़बरदस्त है। इट्स अ वंडरफुल 3 बेडरूम्स एंड 3 वॉशरूम्स के साथ ये जो है प्रॉपर्टी, इट्स कॉन्डो टाउन हाउस एंड दिस वन यू वॉन्ट टू गो एंड सी एंड वॉच, वी विल टेक यू, विल शो यू, विल टेक यू नो, आपको राउंड भी देंगे किचनर का। किचनर बड़ा अच्छा शहर है और बड़ी अच्छी कीमत है इस घर की, देखना है, फिनिश बेसमेंट के साथ है, सिंगल गराज है, लॉट्स ऑफ थिंग्स। तो 416-704-0651, 416-704-0651। एक और प्रॉपर्टी बताता हूँ मिल्टन में, मिल्टन बड़ा जब तेज़ी से जो है समझ ले कि बहुत तेज़ी से तरक्की किया इस मिल्टन ने, और 949,900 की ये प्रॉपर्टी है मिल्टन में। इट्स अ रो टाउन हाउस, नो मेंटेनेंस फीस बताओ, नो मेंटेनेंस फीस, ठीक है। और देखना चाहेंगे आप तो 3 बेडरूम्स, 3 वॉशरूम्स, सिंगल कार गराज, फिनिश बेसमेंट, लॉट्स ऑफ अपग्रेड्स। तो इसको देखने के लिए मिल्टन में नंबर आपको मैंने बता दिया है, आपको पता होना चाहिए, फिर से बता रहा हूँ 416-704-0651 अहमद एंड शैला जाफी। मैं बताऊँ आपको कि देखिए बहुत ही ज़बरदस्त मार्केट है। अभी मैंने एक प्रॉपर्टी लिस्ट करी थी और मैंने टाइम भी दिया था कि भाई विद इन अ वीक और एंड वी हैड ऑफर, और अभी उसके ऊपर काम हो रहा है, देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट आता है। लेकिन ये कि बड़ी जल्दी ऑफर्स आ जाती हैं, बहुत अच्छी कीमतें आपको मिल रही हैं, बहुत लो रेट्स हैं, बायर आर कैपेबल ऑफ बाइंग इट, इसीलिए जो है वो सेल भी हो रहा है। और तो आपका आपको अपने घर की फ्री मार्केट इवैल्यूएशन करानी है तो अहमद इंशाल्लाह जाफरी द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू विल कम गिव यू फ्री मार्केट इवैल्यूएशन एट नो ऑब्लिगेशन एट ऑल। और जैसा मैंने शुरू में कहा था कि इफ़ यू आर न्यू इन कैनेडा डोंट बी शाय, जस्ट गिव अस कॉल, वी कैन सिट टॉक एंड आई विल ट्राई टू गेट दिस सॉल्यूशन, ठीक है। 416-704-0651 अहमद इंशाल्लाह जाफरी द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू। जी जी शाला, क्या कहेंगे आप? मैं ये कहूँगी कि जितनी प्रॉपर्टीज़ आपको बताई हैं इस वक्त, लिस्टिंग्स बताई हैं हमने कि जो अवेलेबल है एमएलएस सिस्टम में, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत काफ़ी डिफरेंट टाइप ऑफ लिस्टिंग्स हैं, जो भी आपके रिक्वायरमेंट है वो आप बताइए, उसके मुताबिक हम आपको प्रॉपर्टी दिखाएंगे। और अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं तो उसके लिए भी अहमद इंशाल्लाह जाफरी द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू बहुत मेहनत से आपकी प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए, क्विक सेल करने के लिए और सही प्राइस पे सेल करने के लिए पूरी मेहनत से आपके साथ साथ हैं। 416-704-0651। हम बात करेंगे अपने स्पॉन्सर की फ्रेश पिक इंडिया बाजार की। इंडिया बाजार में फ्रेश पिक आते हैं तमाम दुनिया के बहुत सारे मुल्कों से, सब्जियां और फ्रूट्स होते हैं जो मेरा फेवरेट सेक्शन है, हमेशा कहती हूँ मैं ये। 10405 कैनेडी रोड नॉर्थ ब्रैम्पटन,
इनका एड्रेस है सैंडलवुड एंड कैनरी के इंटरसेक्शन पर है, सेल्फ कंटेन बिल्डिंग है, लॉट्स ऑफ पार्किंग है, और दूसरी लोकेशन इनकी टोरंटो में इसलिंगटन एंड एल्बियन के इंटरसेक्शन पर है, केटरिंग हर साइज की अवेलेबल है, ईट इन रेस्टोरेंट है, मिठाई सेक्शन हर वक्त फ्रेश मिठाइयाँ मिल रही हैं आपके ओकेजन के लिए, आप उनको ऑर्डर कर सकते हैं, और इसके अलावा वहाँ पर साउथ एशियन ग्रोसरी की होलसेल और रिटेल भी होती है। तो बिल्कुल जाइए आप और शो टीम ऑफ टू टी टॉक का नाम ज़रूर लीजिए ताकि उनको पता चले कि हमने ये मैसेज उनका आपको दिया है। और उसके साथ साथ हम आपसे ये कहेंगे कि अपना ख्याल रखिएगा, लेकिन वहाँ जाके फ्रेश फ्रूट ज़रूर खाने हैं आपने। उनका फ़ोन नंबर मैं आपको बताऊँ, 905-840-1116, 905-840-1116। अब हम आते हैं अपने डिजाइनर्स एंड ब्राइडल एक्सपो की जानिए, जरूर आइए, क्योंकि इतनी सारी बातें हो गई थी, हमने कहा एक चल रहा है एक सिलसिला, उनको होने दें, फिर हम बताते हैं कि क्या होने जा रहा है टाउन में। अहमद इरशाला जाफरी द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू क्या ला रहे हैं आपके लिए, बहुत खूबसूरत इवेंट लेकर आ रहे हैं जो कि हर साल हमारा एनुअल इवेंट है, और इसी तरह हम 2 दिन के लिए सजाते हैं मिसेस सागर कन्वेंशन सेंटर में। और ये 2 दिन कौन से हैं, आपने डेट याद रखनी है, मार्च 19th एंड 20th को मिस सागर कन्वेंशन सेंटर में आपने पहुंचना है डिजाइनर्स एंड ब्राइडल एक्सपो लाइफस्टाइल। जनाब तेजी से स्टॉल लग रहे हैं और तमाम बिजनेस कम्युनिटी इसमें वेलकम करते हैं हम उनको। पैंडेमिक में जो कुछ भी डिस्टर्बेंस हुई है वो सब हिसाब किताब पूरा हो जाएगा। आप टीम ऑफ टू के जितने भी इवेंट्स हैं, इवेंट्स बाय टीम ऑफ टू पे जाइए और अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, अगर आप वेंडर करना चाहते हैं, या आप अपने बिजनेस की प्रमोशन एग्जीबिशन एंड सेल चाहते हैं, या आप एज ए डिजाइनर स्टेज पे शोकेस करना चाहते हैं अपने डिजाइन, या मॉडलिंग में हिस्सा लेना चाहते हैं, किसी तरह से भी आप हमें कॉल कीजिए 6472732393 पर। और बहुत खूबसूरत बुटीक्स एंड बिजनेसेस एंड डिजाइनर्स और डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेसेस हमारे साथ आ रहे हैं जो वहाँ शोकेस करेंगे अपनी प्रोडक्ट्स को। इसके अलावा हमारे साथ फूड कोर्ट भी है और हम बहुत जल्दी आपको सरप्राइज देंगे कि फूड कोर्ट में क्या होने जा रहा है, और बहुत से सरप्राइजेस मिलते रहेंगे। लेकिन इस वक्त हम कनेक्ट करना चाहते हैं आप अपने साथ, देखें कि कनेक्शन होता है, अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इनका वादा था कि आज वो आके बताएंगी कि हम कि वो क्या ला रही हैं डिजाइनर्स एंड ब्राइडल एक्सपो के लिए, क्या स्पेशल करना चाह रही हैं। ओरिएंटल कॉस्ट्यूम से राना खान को हम ट्राई कर रहे हैं ऑनलाइन लाने की। तो जब तक उनकी कॉल मिलती है, हम ऐसा करते हैं कि हम एक बात पे चलते हैं कि जनाब हम कंडोलेंस करते हैं बप्पी लहरी उनका नाम था, बॉलीवुड इंडस्ट्री के कंपोजर एंड सिंगर, जो ही डाइड एट द एज ऑफ 69 एंड वॉज पॉपुलर फॉर हिज क्या कहना चाहिए, वो जो उन्होंने टैप डांसिंग फीट टैपिंग के, जो उन्होंने 1980s लेके बॉलीवुड में और 1990s तक उन्होंने ये ट्रेंड रखा था, बहुत मशहूर हुआ था, बहुत रहा वो, उसके बाद डिफरेंट ट्रेंड्स आते हैं यकीनन, लेकिन हम ये स्लीप एपनिया था उनको बहुत क्रिटिकल वे में, और उसके अलावा जो था उनको कुछ और भी इन्फेक्शन हो गया था जिसकी वजह से। तो हमारा कंडोलेंस टू द होल बॉलीवुड इंडस्ट्री एंड देयर फैमिली। अच्छा, अब मैं आपको एक लोगो दिखा रहा हूँ, और ये लोगो है Z9 मीडिया का, तो मौका लगे तो जरूर आप कनेक्ट कीजिए Z9 मीडिया को। हाँ। और बड़ा अच्छा इनका मीडिया शो है, इनका जो है शो होता है, इनके मुख्तलिफ प्रोग्राम्स होते हैं। अच्छा, और नहीं हो अभी, 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 अभी 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 मैं आपको लोगो दिखाता हूँ आपको, तो आप पहचान जाएंगे। जी, आपने देखा Z9 मीडिया का बड़ा अट्रैक्टिव लोगो था, और ये आपके लिए मैंने पेश किया आपको, डिजाइनिंग एंड प्रिंटिंग के लिहाज से। हाँ। आपने इनको, इसके अलावा इनके चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें। Yes। और बहुत कुछ कर रहे हैं ये कम्युनिटी में, अली शाह साहब है वहाँ। हाँ, पर बिल्कुल, तो Z9 मीडिया से आपने कनेक्ट होना है। अच्छा, हम कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं उनसे, स्टेट्स में ये कॉल मिलाई जा रही थी, लेकिन ये कि इस वक्त वो स्टेट्स में मौजूद है। अच्छा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम, अगर इस वक्त हम ना हो, आज ना कनेक्शन हो सका, क्योंकि वो बहुत एक्साइटमेंट लेकर आ रही हैं हमारे
डिजाइनर्स एंड ब्राइडल एक्सपो में। इसके अलावा हर रोज हमारे साथ बहुत सारे बुटीक्स एंड डिजाइनर्स एंड डिफरेंट बिजनेसेस जुड़ रहे हैं। हमारे साथ मेकअप आर्टिस्ट हैं, हमारे साथ स्टेज डेकोरेटर, वेडिंग डेकोरेटर्स हैं, तो ऐसी सारी चीजें। और अगर आप भी इन तमाम बिजनेसेस से, प्रोफेशनल सर्विसेज से आपका ताल्लुक है, तो आपका बिजनेस बैनर जो है वो हमारे फ्रंट लॉबी में डिस्प्ले किया जा सकता है। बहुत अच्छे पैकेजेस आपके बिजनेस के लिए बनाए गए हैं। इवन अगर आप लाइफ इंश्योरेंस या ऑटो इंश्योरेंस या आप डेंटिस्ट हैं, क्योंकि वहाँ हर तरह के लोग आएंगे, फैमिली गैदरिंग होगी, ये वहाँ पर खाना पीना, एंटरटेनमेंट, फैशन शो, गाना बजाना सब कुछ होगा आपके लिए। तो आइए और जरूर हमारे साथ शामिल होइए। फ्री एडमिशन है, फ्री पार्किंग है, बिल्कुल कुछ नहीं सोचना और बस आना है आपने, खूब शॉपिंग करनी है अपने तमाम इवेंट्स के लिए। जी अहमद, और छोटा सा कमर्शियल दिखा रहा हूँ। हाँ, उससे पहले मैं अपना फोन नंबर बता दूं कि अगर आपको इस डिजाइनर्स एंड ब्राइडल हिस्सों ब्राइडल एक्सपो में हिस्सा लेना है तो 6472732393। सोफिया खान साहब अभी आ चुकी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। ये छोटा सा आप देखिएगा, ये दिस इज अ कमर्शियल। अहमद एंड शैला जाफरी, द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू, ब्रिंगिंग यू डिजाइनर्स एंड ब्राइडल एक्सपो ऑन सैटरडे मार्च 19th एंड 20th एट मिसिसॉगा कन्वेंशन सेंटर फ्रॉम 1 PM टिल 11 PM, शोकेसिंग कैजुअल, फॉर्मल एंड ब्राइडल वेयर, ज्वेलरी, फैशन एंड ब्यूटी, इवन डेकोर, एग्जीबिशन सेल, फैशन शो, फूड, म्यूजिक, वैरायटी ऑफ स्टॉल्स, फ्री एडमिशन एंड पार्किंग। कॉल शैला 6472732393। Log on to eventsbyteamof2.com। जी बिल्कुल, आइए और हमारे साथ शामिल होइए। और स्पेशली हम ये इस किस्म के इवेंट सजाते हैं अपनी बिजनेस कम्युनिटी के लिए और अपनी पूरी तमाम साउथ एशियन कम्युनिटी और भी डिफरेंट कम्युनिटीज इसमें हिस्सा लेती रहती हैं। और हमारे पास इंडिया और पाकिस्तान से भी डिजाइनर्स यहाँ पहुंच रहे हैं जो कि शोकेस करेंगे और आप लोग उससे फायदा उठाएंगे। बिल्कुल, उनकी एग्जीबिशन और सेल होगी हमारे यहाँ, तो बस आपने पहुंचना है वहां या स्टॉल बुकिंग करनी है आपने अपने बिजनेस के लिए तो 6472732393 पे कॉल करना है। और हम यानी कि अहमद इंशाल्लाह जाफरी, द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू आपके साथ साथ। अहमद, जाने का टाइम क्यों हो जाता है? बस हो जाता है क्योंकि जाने जाना। हाँ, है बिल्कुल, जाएंगे और फिर आएंगे इंशाल्लाह सैटरडे को। सैटरडे को फिर हम यहाँ पर होंगे अपने स्टूडियो में आपके साथ साथ, और सुबह कितने बजे? 11 बजे सैटरडे को ईस्टर्न टाइम के मुताबिक हम होंगे। तो चलिए जनाब, जाने के लिए अब खुदाफिस करते हैं। वो इस तरह से कि एक रिमाइंडर हमेशा मैं आपको देता हूँ, वो ये है कि हैव यू डन योर वर्कआउट? इफ नॉट सो डू सो, व्हाई? बिकॉज आई सेड सो। यस, ऑनेस्टली कीप वर्किंग आउट एंड इट वर्क्स, एंड इफ आई कैन डू इट यू कैन डू मच बेटर। और बहुत बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम को वॉच करने का, हमारा साथ देने का। रियल स्टेट के बारे में कभी कोई मशवरा लेना है, घर की खरीदो फरोख्त है, इन्वेस्टमेंट है, बिजनेस है, एनी टाइप ऑफ रियल स्टेट, GTA नियर बाय और एनीवेयर, सो हमसे रब्ता कर सकते हैं। वसी एक्सपीरियंस है हम लोगों का, बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस है सालों का, तो इंशाल्लाह उससे फ़ायदा उठाइए आप। 4167040651 फॉर ऑल काइंड ऑफ योर रियल स्टेट नीड्स एंड सर्विसेज। दुआ के साथ रुख्सती चाहते हैं जनाब, रुख्सत होना चाहते हैं हम लोग। वो इस तरह से कि खुदावंद तआला आप लोगों को सेहत, ज़िंदगी और खुशियाँ नसीब फरमाए, आप लोगों की नेक मुरादें, दिली तमन्नाएँ, ख्वाहिशात सब पूरी करें। अल्लाह पाक बहुत खुश रहें आप लोग, और अल्लाह पाक आप सबको महफूज रखे। अपना ख्याल कीजिएगा और हमें भी अपनी दुआओं में हमेशा शामिल हाल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर, फी अमानिल्लाह। मुझे भी जाना ही पड़ेगा, खुदा हाफिज करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम वापस आएंगे आपसे मिलने के लिए फिर से और गुड मॉर्निंग करेंगे सैटरडे मॉर्निंग 11 AM ईस्टर्न टाइम पे। और बस इसी तरह हमारी और आपकी मुलाकात होती रहेगी और डिजाइनर्स एंड ब्राइडल एक्सपो के लिए 6472732393 पे कॉल करना है। रियल एस्टेट के हवाले से 4167040651 पे कॉल कर सकते हैं। और बस मैं क्या कहूँगी, यही कहूँगी कि सबसे ज़्यादा जो अपना ख्याल रखने के साथ साथ लोगों का भी ख्याल किया जाए, अपनी खुशियों के साथ साथ दूसरों की खुशियों को भी मनाया जाए और उनको खुश रखा जाए। और बेहतरीन तरीका प्यार करने का, मोहब्बत करने का, कि आप दूसरों को दुआएं दें, दुआएं दी जाएं। और बस इसी बात के साथ मैं खुदा हाफिज़ करूँगी। अहमद इंशाल्लाह जाफरी, द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू।
कहते हैं आपसे अल्लाह हाफिज और शब्बा खैर।